नारायण, भले ही यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के लाख दावे करती है, लेकिन सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जिला फिरोजाबाद के तहसील टूंडला क्षेत्र के ग्राम सभा मोमदाबाद के गांव नगला कुम्हारन की है, जहां की सड़क पिछले 20 सालों से जर्जर होने के कारण उस पर जल भराव बना रहता है। जबकि यह सड़क टूंडला बाजार से कच्चा टूंडला नगला कुम्हारन होते हुए FH मेडिकल कॉलेज और नेशनल हाईवे से मिलती है, लेकिन इस सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है। पिछले पूर्व में 3 ग्राम प्रधान और मौजूदा प्रधान द्वारा सड़क बनवाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक से लेकर आला अधिकारियों से सड़क बनवाने को लेकर गुहार लग चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि की अनदेखी और आला अधिकारियों की लापरवाही यूपी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों को पलीता लगा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नगला कुम्हारन से कुछ ही दूरी पर मुस्लिम समाज का ईदगाह और काशीराम आवास कॉलोनी भी मौजूद है, जहां मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने और मुर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, जिन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क बनवाने को लेकर ग्रामीणों से लेकर ग्राम प्रधान कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। बाजार से आता हुआ FH की तरफ जाता है, हाईवे से मिलता है। इस रोड का बहुत बुरा हाल है और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बच्चे, स्कूली बच्चे निकल नहीं पाते, ड्रेस गंदी हो गई, गिर गए कई बार चोट भी लग गई, हाथ पैर भी टूट गए हैं कई लोगों के। इतनी परेशानियाँ आई हैं, कोई मरीज बीमार है तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, कैसे ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं। भुवन एदे विधायक जी मोहनदेव संकवार तब बना था पहली बार, ठीक है, उसके बाद अभी तक कभी बना नहीं है। समस्या हमें बहुत आती है इससे। अभी कोई आदमी बीमार हो जाए तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं तो हमें दिक्कत होती है इसमें निकालने में। क्या पानी भरा रहता क्या? बिल्कुल पानी भरा रहता भाई साहब, बिल्कुल भरा रहता पानी। एम्बुलेंस निकालने में दिक्कत होती है। FH कॉलेज हमारे लिए बगल में पड़ता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ना। तो कहने का मतलब जी इस रोड को आप बनवाइए। ये लगभग 20 साल पहले माननीय मोहनदेव संकवा जी थे, उन्होंने बनाई थी, तो उस समय से आज तक ये बनी नहीं। इसमें नगला कुम्हारन होते हुए काशीराम और FH के लिए ये मेन रास्ता है। यहाँ से लोग 50% टूंडला के लोग आगरा जो जाते हैं इसी रास्ते से जाते हैं, तो आज तक ये बना नहीं है। पूर्व में भी प्रधानों ने प्रयास किया है, तो पूर्व में भी दिया है ऊपर कि ये किसी तरीके बन जाए। करीब 600 मीटर का ये रोड है और हम मांग करते हैं किसी तरीके से 600-700 मीटर का रोड है, अगर ये बन जाता है तो गाँव के लिए, काशीराम आवास के लिए और FH में जो जाने वाले लोग हैं आगरा जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये तस्वीरें फिरोजाबाद के नगला कुम्हारन की है, जहां पर सड़कों की हालत जर्जर है, या ये कहें कि यहां पर सड़कों का निर्माण हुआ ही नहीं है। इसी वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसी रास्ते से गुजरने के लिए राहगीर ग्रामीण स्कूली बच्चे मजबूर हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, वो भी लगातार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो दावे किए जाते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, उन दावों पर या फिर उन मंशा पर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पलीता लगाते नजर आते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हैं, जिसकी वजह से सड़कें गड्ढा मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है, यहां की गंदगी तक साफ नहीं होती है। बरसात के मौसम में और ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं और इसी गंदे पानी की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और इसी गंदे पानी में से लोग निकलते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण चंद मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। कृष्ण चंद, 20 साल सड़क का निर्माण हुए हो चुके हैं, यानी कि सड़क का निर्माण तो हुआ ही नहीं, 20 सालों से इसी नरक में जीने के लिए लोग मजबूर हैं, आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे मैं बताना चाहूंगा, ये जो ये तस्वीरें जो हैं, ये फिरोजाबाद के जो कस्बा तहसील टूंडला है उसके ग्राम सभा है मोहम्मदाबाद, उसके गांव जो है एक मजरा लगता है
कि नगला कुमारन ये वहां की तस्वीरें हैं जहां पर पिछले 20 वर्षों से लोग काफी परेशान हैं और ये भी आगे सड़क जो है करीब 600 मीटर का एक टुकड़ा है तो वहां पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता है, घरों का पानी और वैसे नालियों का पानी जो है इसी सड़क पर भर जाता है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रधान वीरेश यादव द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व प्रधान द्वारा शिकायत की गई है आला अधिकारियों से और जो कि इस समय मौजूदा विधायक हैं प्रेमपाल धनकर उनसे भी इसके इसके बारे में लिखित शिकायत दी गई है लेकिन बावजूद इसके अब तक ना तो आला अधिकारियों ने इसका कोई संज्ञान लिया है और ना ही यहाँ मौजूदा विधायक द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है जिससे जो कि यहाँ के ग्रामीण हैं वो काफी परेशान रहते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे भी आप देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है स्कूल के ड्रेस में इस पानी से होके गुजरते हैं तो उनको भी काफी परेशानी होती है और कभी कभार तो बच्चे गिर जाते हैं, उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रोड है ये टूंडा जो मेन बाजार है वहां से जो शिकायतें हैं लगातार हो चुकी हैं लेकिन सवाल ये है कि शिकायतें 20 सालों से हो रही हैं, कई ग्राम प्रधान बने होंगे, कई विधायक इस इलाके के बने होंगे, कई सांसद यहां आए होंगे, क्या उन्हें सड़क दिखाई नहीं दी? जी मैं बताना चाहूंगा कि कई बार यहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो वहाँ आला अधिकारी पहुंचते भी हैं और देखने के बावजूद भी अनदेखा कर देते हैं जिससे ग्रामीण आज भी परेशान है। 20 वर्ष पूर्व जो है एक मोहनदेव संकवार जो यहाँ पर विधायक हुए थे उनके द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी लेकिन उनके आज 20 साल बीत चुके हैं और सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है और इसकी शिकायत होने के बावजूद भी अब तक किसी भी आला अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी काजोल, ठीक है। किशन, वीरेश यादव ग्राम प्रधान है मोहम्मदाबाद से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश यादव जी, शिकायतें मिल रही हैं, आप भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, सड़कों का बुरा हाल है, गंदा नाला सड़क पर बह रहा है, लोग इसी से ही आने जाने के लिए मजबूर हैं। हेलो वीरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। वीरेश जी, क्या समस्या क्या है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आई है और जो शिकायतें लगातार मिल रही हैं उसे देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरके जीवन जी रहे हैं लोग। जी मैडम, वो रोड है गांव का, वो करीब 700-800 मीटर का रोड है, 25 साल पहले बना था विधायक जी के द्वारा, 20 से 25 साल हो गए उस रोड को, करीब 800 मीटर का रोड है और बड़ी समस्या है। कई बार भी कहा है गांव के लोगों ने, विधायक जी से भी कहा, किसी तरीके से बन जाता है तो गांव का और जो मेन रास्ता है जो आगरा जाने वाला उसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। काशीराम कॉलोनी भी है, खैतमादपुर भी जाते हैं लोग और एपेक्स मेडिकल कॉलेज है यूनिवर्सिटी उसके लिए भी जाते हैं टूला से, 50% लोग उधर से ही निकलते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं लोगों को आती है, क्योंकि देखिए गंदगी अगर बात करें तो गंदगी की वजह से कई बीमारियां तो हो ही रही हैं लेकिन इसी रास्ते से आपने कहा कि करीब 50% ऐसे लोग हैं जो गुजरते हैं, उनमें स्कूली बच्चे भी होंगे जी और जो राहगीर हैं वो भी गुजरते होंगे जी। जी कितनी बार दुर्घटना का शिकार भी हुए होंगे। खुल रही है जनप्रतिनिधियों की? मैडम मैं आपको बता दूं, उसमें से आधा रास्ता तो मैं अपनी पंचायत निधि से बनवा रहा हूँ और लेकिन जो एक लंबा रास्ता है ना 800-900 मीटर का जी, लंबा रास्ता है क्योंकि ये रोड बना था माननीय विधायक जी ने बनाया था पहले जी और उसमें लंबा रास्ता है पंचायत से, चूंकि इतना लंबा इतना फंड भी नहीं आता, आप तो समझ रहे पंचायत से बना दे तो हम उतना बना रहे हैं उसमें, लेकिन जो वहाँ से मेन रास्ता उतना अगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा या माननीय विधायक जी के द्वारा बन जाता है तो बड़ी आसान होगा। यानी कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है, अगर सहयोग मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी सड़क का निर्माण हो जाएगा और ग्रामीणों को सुविधा हो जाएगी। फिलहाल वीरेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहम्मदाबाद नगला की, कुम्हारन की, जहां पर ये सड़क है। प्रधान कह रहे हैं कि हम शिकायत कर चुके हैं और हम प्रधान निधि से ही आधी से ज्यादा सड़क का निर्माण कर रहे हैं लेकिन जो मेन सड़क है जो आगे हाईवे को जोड़ती है वो कहीं ना कहीं विधायक के उसमें आती है लेकिन विधायक जी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। किशन चंद, विधायक आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? जब वोट लेना होता है तब तो इन्हीं सड़कों से होकर गुजरते हैं, दावे भी करते हैं कि सड़क बन जाएगी। काजल, इस मामले में पूर्व में जो है
या मौजूदा विधायक हैं प्रेमपाल धनकर, उनसे बात की गई थी हमारे द्वारा, तो उनका कहना था कि जो टूला विधानसभा है उसमें करीब करीब 200 सड़कें निर्माणाधीन है, लेकिन जो धरातल पर है वो दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जो रिपोर्टिंग की, वहां पर नगला कुमारन में जाकर देखा गया कि जो 600 मीटर का टुकड़ा है पिछले 20 वर्षों से वहाँ ऐसी खराब पड़ा हुआ है जिसमें कि गंदा पानी भर जाता है। और यहाँ तक करूंगी, समाज सेवी है अशोक यादव, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि बीमारियों का यहाँ पर घर बन रहा है और इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। साथ ही साथ समस्या ये है कि इसी गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। आखिर कब विकास इस गांव तक पहुंचेगा और क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों अटकलें लग रही हैं? क्या सिर्फ पैसों की बंदरबांट हो रही है? इसका नगला कुमारन से जो ईदगाह के लिए रोड जाता है जी, इसका विगत कई वर्षों से हम लोगों ने डिमांड करी है कि इस रोड को जीर्णोद्धार करके इसको बना दिया जाए, परंतु लगातार मांग करने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन व स्थानीय नेतागण वो इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इस केवल ईदगाह के लिए ही नहीं जाता, उसके बगल में एक बन्ना आश्रम बना हुआ है जी। वो आश्रम बहुत बड़ा विशाल आश्रम है और उस आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा भी हर साल आयोजित होता है, परंतु उस पर कोई किसी की निगाह ही नहीं है और गंदे पानी में से गंदगी भर रही है, नालियां टूटी पड़ी हुई है। वजह क्या है? क्योंकि शिकायतें तो लगातार हो रही है, फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? कहां बात नहीं बन पा रही है? स्थानीय अधिकारियों का और नेताओं का कहना ये है कि इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, जबकि ये जो है अभी रर्वन मिशन जो चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है या जो श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना है, उसके अंतर्गत भी आती है इस साल। लेकिन सरकार अगर तो ये सरकार लगातार कहती है कि प्रदेश का विकास होगा और ये जो विकास की कड़ी है वो हर एक गांव तक पहुंचेगी, तो फिर ये गांव अछूता क्यों है? ये अब तो इस मामले में हम लोगों को तो जो जानकारी है बता रहे हम वही चीज है बकाया, तो अब ये तो इनको सोचना चाहिए सरकार को। ये सरकार इस समस्या का हल कुछ करना नहीं चाहती है और कागजों पे लिखा पड़ी सब चल रही है। ठीक है अशोक, कागजों में ही हेरा फेरी का सब गेम चल रहा है। और ये जानकारी साझा करने के लिए, तो किशन समाज सेवी हो या ग्राम प्रधान हो या ग्रामीण हो, लगातार शिकायत कर रहे हैं और एक ही बात सब कह रहे हैं कि वो शिकायतें आला अधिकारियों तक कर चुके हैं और जो भी जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन नजरअंदाज सारी चीजें कर दी जा रही है जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगत रही है। आला अधिकारी कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि उनके पास बजट नहीं है कि वो यहां पर सड़क बनवा सके। ये मैं बताना चाहूंगा, बजट का जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर वोट मांगते हैं कि विकास कराने की बात करते हैं, लेकिन आज जो है अभी 26 तारीख को करीब सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है और इससे पूर्व में जो सरकार बनी थी तो 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें कराने की बात की गई थी, लेकिन धरातल पर जो हकीकत देखी जा रही है वो काफी दयनीय है और जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब ये पानी जो बरसातों में, तो ये स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसमें कोई भी व्यक्ति निकल नहीं पाता और करीब काफी दूर से लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। और जबकि नजदीकी एक FS मेडिकल स्कूल है या हॉस्पिटल है, तो वहां पर भी जो है जाने के लिए लोगों का दवाई के लिए या कोई भी जैसे लोगों को परेशानी होती है तो एम्बुलेंस जैसे बुलाई जाती है, तो एम्बुलेंस को भी काफी दूर से घूम के आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जनप्रतिनिधियों को, यानी एक सड़क के निर्माण न होने की वजह से कई सारी मुसीबतें लोगों को देखनी पड़ रही है, उठानी पड़ रही है। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, लोगों को लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे में लोगों का वक्त भी जाया होता है और इमरजेंसी होती है तो फिर भी काम नहीं बन पाता। ये जरूर कहा जा सकता है। एक्शन है कमलाकांत फिरोजाबाद के, वो लगातार फोन काट रहे हैं, मेरी टीम लगातार किशन उन्हें फोन कर रही है लेकिन वो फोन काट रहे, यानी कि वो अपनी जवाबदेही से, अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं।
जी मैं वही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जहां जहां भाजपा के विधायक हैं वहां पर जो विकास का कार्य तो जब पूछा जाता है तो विकास के कार्य के दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमने ग्राम नगला कुमारन में जाकर ये ग्राउंड जीरो से जब हमने ये रिपोर्टिंग की और वहां पर जाकर देखा तो लोग ग्रामीण काफी परेशान थे और आक्रोशित भी हैं। वहां पर आप देखा जा सकता है कि ग्रामीण काफी इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने विरोध भी जताया है और उनका कहना था कि कई बार जनप्रतिनिधियों से और आला अधिकारियों से शिकायत की गई है लेकिन अब तक 20 सालों में कोई भी इसकी सुनवाई नहीं की गई है। जिससे स्कूली छोटे किशन चंद प्रेमपाल धनगर हैं, विधायक हैं, उनको लगातार फोन किया जा रहा है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बार बार फोन काट रहे हैं। किशन, क्या आपकी बात हो पाई है विधायक जी से समस्या को लेकर? क्या आप पहुंचे थे उनके पास? क्या कहना है उनका? जी काजल, मैं बताना चाहूंगा, मेरी इस करीब पूर्व में मेरी बात हुई थी प्रेमपाल धनगर जी से, विधायक जो हैं, उनका कहना था कि यहाँ जो कुंडला विधानसभा है इसमें करीब 200 सड़कें निर्माणाधीन है और उनका जल्दी काम निपटा लिया जाएगा, जबकि एक जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार के 5 साल एक बार पूरे हो चुके हैं, दोबारा से सरकार बनी है उसका भी 1 वर्ष पूरा होने वाला है। सरकार तो पुरजोर कोशिश कर रही है कि हर तबके तक विकास पहुंचना चाहिए, हर गांव जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हर सुविधा मिलनी चाहिए, हर सिटी स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, फिर अधिकारी क्यों पलीता लगा रहे हैं? इन अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? सवाल ये है, उन जनप्रतिनिधियों पर कब एक्शन होगा जो वोट लेकर सीट पर तो बैठ जाते हैं, कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन फिर उठने का नाम नहीं लेते हैं, अपने क्षेत्र में भ्रमण करके ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनके क्षेत्र की जनता किस समस्या से परेशान है, क्या समस्या होने हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। क्या यही जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की कि वोट लें और चुपचाप बैठ जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बंगले में बैठे रहें? जी काजल, जो कि यूपी सरकार, योगी सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि गांव गांव में विकास हो और स्मार्ट सिटी बने, लेकिन जो जन ये पूरी जिम्मेदारी जो है जनप्रतिनिधियों की ज्यादा बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर जगह यहां पर नहीं दे सकते। इसीलिए ये जो है मेरा गांव मेरा देश म्यूजिकल इंडिया चैनल द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ये जो धरातल की जो स्थिति है, क्षेत्रों की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जो गांव की स्थिति है, और ऐसा नहीं है कि किशनचंद की समस्या ही सिर्फ हम दिखाते हैं इस खास प्रोग्राम में, जहां जहां खबर का असर हुआ है वो भी हम दिखाते हैं, जहां अच्छा काम हो रहा है वो तस्वीरें भी हम लगातार लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गाँव है, बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र है या शहर है जहाँ पर बेहतरीन काम हुआ है, वो भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार दिखाता है, लेकिन जो समस्या है वो भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया उठाएगा ताकि हर एक तबके तक विकास पहुंचे, जो सुविधाएं, जो उनका हक है वो पहुंचे, योजनाओं का लाभ पहुंचे, साथ ही साथ जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो शिकायतें उन अधिकारियों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जवाबदेही है, जो ये पूरी समस्या को देखते हैं। जी जी, ये जो जिम्मेदारी है, ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता इनको चुनती है, वो इसीलिए चुनती है ताकि जो क्षेत्र में विकास हो सके, उनकी जो समस्याएं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो सरकार आसानी से करा सकती है वो पूरी हो सके, इसी को लेकर एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने की कोशिश की जाती है जनता द्वारा। लेकिन जो जीतने के बाद जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का स्वभाव बदल जाता है तो उस तरीके से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति जो है ग्राम तहसील टूंडला क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद के गांव नगला कुमारन में देखने को मिली है, जहां पर जो ये मुख्य मार्ग माना जाता है जो कि कच्चा टूंडला से लेकर और ये नगला कुमारन है, और ये से यहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, थोड़ी दूरी पर यहां पर एक ईदगाह भी है जहां पर वो अपने रमजान शुरू होने वाले हैं, 20 सालों से लोग देख रहे हैं, उन्हें उम्मीद होती है हर साल कि शायद रमजान से पहले समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन उन्हीं रमजान के पाक महीने में इसी गंदे रास्ते से उन्हें होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि बड़ी ईदगाह है, लोग नमाज पढ़ने वहां जाएंगे। जी जी, बड़ी ईदगाह है, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंचते हैं, और यहाँ पर जब नमाज पढ़ी जाती है भारी मात्रा में, जो जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी के साथ
जो पुलिस प्रशासन और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जो क्या स्थिति रहती है कि जो कि इनको ये समस्या नजर नहीं आती है, लेकिन जो समस्या है पिछले 20 सालों से बनी हुई है, अधिकारी को दिखाई नहीं दे रही है। 20 सालों से समस्या जस की तस बनी है, प्रधान आए गए, विधायक आए गए, सरकारें बदली, लेकिन समस्या जस की तस है इस गांव के लोगों के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं किशनचंद की अधिकारियों से बात हो सके, लेकिन वो सभी फोन बंद करके बैठे हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, मामले को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किशन, फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिरोजाबाद का एक पूरा मामला है, जहां पर गांव में, या ये कहें कि नगला कुम्हारन जो पूरा गांव है, काफी बड़ा गांव है, काफी संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है, नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ मौन है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जो जनप्रतिनिधि है, कि हमारे पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।